Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार आदाब, मैं फरदीन शेख, आप देख रहे हैं एमएम टाइम न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबर की ओर। प्राइम हॉस्पिटल में मरने वाले के परिजनों को थाना मनपा की तरफ से शानू पठान ने 5-5 लाख का मुआवजा दिया। क्या कहना है इसको लेकर उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज दिनों में आपने प्राइम दुर्घटना के मृतकों के परिवारों को थाने मनपा द्वारा घोषित 5 लाख का मुआवजा दिला दिया है। कैसे ये संभव पाया, क्योंकि सरकारी तंत्र है, सरकारी कार्यालयों की बात है तो काफी कुछ बड़ी प्रक्रिया होती है, लोगों की चप्पलें खींच जाती है, जूते खींच जाते हैं, लोगों की कमरे टूट जाती है, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता है। मगर 7 दिन में ये मुआवजा मिला है, ये काबिले तारीफ बात है, कैसे संभव हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात, तुम जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन से बहुत से लोग आ रहे जा रहे थे, और मैंने पहले ही ये कहा था कि अगर परिवारों के लिए कुछ, अगर हमें इंसाफ की बात करना है तो उनके लिए मुआवजा दिलाया जाए, उनके घर से किसी को महापालिका में काम पे रखा जाए, या राज्य सरकार रखे या केंद्र सरकार रखे। खाली बातें ही करके हमें ये ऐसे वक्त में हमें बातें नहीं करना चाहिए, और ऐसे वक्त में हमें राजनीति भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने नेता जितेंद्र रावत जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे फॉलोअप किया इसके लिए। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, कमिश्नर साहब जो उस वक्त आए, उनको मैंने जब ये परिस्थिति बताया कि हाल क्या है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम और महापौर मिलकर तुरंत इसके ऊपर प्रस्ताव करके इसके ऊपर तुरंत अमल बजावनी करके लो। मैंने उसमें फॉलो डे टू डे फॉलो किया, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे महापौर साहब का, जितेंद्र रावत जी का, एक बार फिर एकनाथ शिंदे जी का, और विपिन शर्मा जी का, और हमारे जितने भी TMC के अधिकारी जिन्होंने इस फाइल को डे टू डे, इस प्रोसीजर को तुरंत करा के, ये मेरी मंशा थी कि उन्हें ये मुआवजा रमजान तक मिल जाए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझ पर इस पद पर रहते हुए इतनी जल्दी थाने मानक द्वारा इनको ये मुआवजा मिला। काफ़ी हद तक मुझे एक मन में, दिल में, एक अंदर से खुशी मिली कि मेरे हाथों इस पद पर रहते हुए बहुत बड़ा एक ये काम, और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ये उन्होंने मिल पाया। क्योंकि देखिए, हम उनके परिवार के जो जिनकी डेथ चले गए, सदस्य जिनकी डेथ हुई है, हम उन्हें वापस तो नहीं जा सकते, और ना ही उनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ है हम वो समझ सकते, क्योंकि जिसके घर की डेथ होती है, जिसके घर में मैयत होती है, वही जानता है उसका बोझ क्या है। लेकिन बेटियां हैं, विडोज हैं, काफी हद तक ये लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में ये आर्थिक मदद इनके बहुत काम आएगी, और मैं इंशाल्लाह तआला आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं बहुत जल्द माननीय जितेंद्र रावत जी से, जो CM साहब ने घोषणा की है, वो भी फॉलोअप करके उनको बोलूंगा कि उन्हें ये मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि उनके काफ़ी हद तक आर्थिक मदद से कुछ काम आ सके। हमें ऐसे ही प्रशासन को, अगर लोक प्रतिनिधि अगर ऐसा सोच ले तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। ओके, तो जैसा कि आपने सुना, विपक्ष नेता अशोक शानू पठान ने शुक्रिया अदा करा जितेंद्र रावत जी, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, थाने मनपा के सारे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द ये मुआवजा उनके परिजनों तक पहुंचा दिया। तो ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए MM टाइम न्यूज। हमें आपके साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।